हेलो फ्रेंड्स, चलिए पहले रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए, अब धीरे धीरे इस बोतल को निकालेंगे हम, और ये देखिए रूट्स कितनी हेल्दी डेवलप हुई हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या आपको बोनसाई डेवलप करना है किसी प्लांट का, तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक होती है। ज़्यादा इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती, रिजल्ट बढ़िया आते हैं। अब देखिए, इस प्लांट में हमने ये टेक्निक यूज़ की थी, और चाहे प्लांट आपका फाइकस का हो, बोगनवेलिया हो, नींबू का हो, अमरूद का हो, टमाटर का हो, आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और भी बहुत से प्लांट होते हैं जिसमें ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं और एक नया पेड़ बना सकते हैं, नया पौधा बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करें उसके आसपास के जो ब्रांचेस हैं वो कट कर लें, ताकि जब आप ये बोतल इसमें अटैच करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब ये देखिए, आसपास की जो ब्रांचेस है ये हम कट कर लेंगे अच्छे से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, एक कट लगाना है, ये देखिए ऐसे। और कट की गहराई कितनी होनी चाहिए, जैसे ये अब इसका तना है, ये इसके बीच तक ले जाएं आप, मिड डेप्थ तक ले जाएं, और हाइट इसकी रखें 1-1.5 इंच तक तो कम से कम रखें, ताकि ये बोतल के अंदर अच्छे से चला जाए। ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे, बस आपको कुछ सावधानियां हैं जो रखनी होती हैं। कट लगाते टाइम आप ये ध्यान में रखें कि ब्रांच को ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कट लगाते टाइम क्या होता है, अगर आप बिगिनर हैं तो कट लगाते टाइम ये आप ब्रांच पूरी कट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये देखिए, हमने कट लगा लिया है और ये बोतल हमने इसके अंदर फिक्स कर दी है। ये देखिए ऐसे अच्छे से इसको फिक्स कर दें। अब फिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इस बोतल को यहाँ पे बांध देंगे, क्योंकि जब इसके अंदर पानी हम डालेंगे तो इसमें थोड़ा वजन हो जाएगा, और उस वजन की वजह से ये नीचे गिर जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से इस ब्रांच के साथ इसको बांध देंगे हम। अच्छे से इसको बांधने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे आप पानी डालेंगे इसके अंदर, ये पानी 1-2 दिन के अंदर कम हो जाएगा। आप फिर इसके अंदर पानी डाल दें और इस बोतल को पानी से भर कर रखें। अब इसका रिजल्ट देखेंगे हम कुछ दिनों के बाद। अब ये देखिए, आज पूरे इसको 22 दिन हो चुके हैं, रूट्स अच्छे से डेवलप हो चुकी है, ये देखिए। चलिए इसकी रूट्स को देखते हैं कितनी हेल्दी डेवलप हुई हैं, और इसको यहाँ से कट कर कर हम अलग पॉट में लगाएंगे इसे। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी ज़बरदस्त डेवलप हुई हैं। चलिए इसको यहाँ से कट करते हैं और एक अलग पॉट में लगाते हैं इसे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं इसके नीचे वो हम कट कर देंगे। और इसके लिए सोइल कंपोजिशन मैंने लिया है 20%, तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है, और 80% मैंने लिया है इसमें नॉर्मल गार्डन सोइल। ज़्यादा कोई इसमें विशेष सोइल कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। अब स्टार्टिंग के हफ्ता या 10 दिन तक मैं इसे ऐसी जगह रखूँगा जहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट आती हो 1-2 घंटे की। जब ये रूट्स अच्छे से अपनी पकड़ बना लें, तब इसे हम पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी हमें देखभाल ज़्यादा करनी होती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।